मोहाली दे विच वेरका चौंक नेड़े तीन गैंगस्टर्स नूं गिरफ्तार किया गया ते बंबीहा गैंग दे शार्प शूटर पुलिस दे अड़ीके चढ़े ने। दस दिए कि मोहाली दे विच वेरका चौंक नेड़े इत्थे तीन गैंगस्टर्स नूं काबू करन दे विच कामयाबी मिली है। इत्थे बंबीहा गैंग दे शार्प शूटर जो पुलिस दे अड़ीके चढ़े ने, मुलजमां कोलों मौके तों दो हथियार ते 10 कारतूस भी बरामद होए ने। तस्वीरां देख रहे हो जिन्हां गैंगस्टर्स नूं काबू किया गया। पंजाब पुलिस दे स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल ने इत्थे कार्रवाई की है। दस दिए कि मोहाली इलाके दे विच कतल दी प्लानिंग इन्हां वल्लों की जा रही सी, लेकिन उस तो पहला इन्हां दे मनसूबे ते पानी फेर दिता गया। मोगा दे रहण वाले ने तिने गैंगस्टर जिन्हां नूं काबू किया गया, पुलिस ने अदालत विच पेश करके इन्हां दा 4 दिनी रिमांड हासिल कर लिया ते अगे इन्हां तों हुण पुछगिछ की जाएगी। बलजीत साडे नाल इस वेले सारे सहयोगी दलजीत इस वेले जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपडेट लेने। दलजीत, जिस तरह के नाल इन्हां बदमाशां नूं काबू किया गया गैंगस्टर्स नूं, की कुछ होर जानकारी इन्हां बारे? देखो राधा, स्टेट ऑपरेशन सैल मोहाली वालों इन्हों तीन शूटर जोड़े है शार्प इन्हों मोहाली के वेरका चौंक तो गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यह जे बबीहा गैंग गैंग संबंधित ने, यह मोहाली के किसी वारदात को अंजाम देने वास्ते आ रहे हैं। तो इन्होंने वारदात को करने तो पहला एक मोटरसाइकिल जोड़ा है वह गन पॉइंट से खोया। उस मोटरसाइकिल के उपर सवार यह आ गए मोहाली के किसी वारदात को अंजाम दे आ रहे थे, जिथे इन्हों नाके दौरान मोहाली वेरका चौंक के उपर फड़िया गया। इन्हों को असरा कारतूस जोड़े है बरामद हुए हैं। दस दिए कि तीन शार्प शूटर ने बबीहा गैंग से संबंधित ने, इन्हों के दो जोड़े है वो मोगा के रहने वाले ने, एक जोड़ा है लुधियाने का रहने वाला। इन्हों के उपर पहला भी जोड़े है लुट्टा खूह से एन डी पी एक्स के जोड़े मामले जोड़े है वो दर्ज ने। हुण इन्हों का जोड़ा गा अज इन्हों मोहाली की जिला अदालत में पेश किया गया, जिथे पुलिस ने जोड़ा गा 4 दिन का रिमांड जोड़ा गा अदालत ने मंजूर किया गा। हुण 4 दिन के रिमांड के अंदर होर की खुलासे होंगे है ये जी है देखने वाली गल होगी। बिल्कुल, और जिस तरह के नाल इन्हों तो हथियार भी बरामद हुए ने, यकीनन इन्हों की कई घटनावां दे विच शमूलियत भी होएगी, इस बारे कोई खुलासा हुण तक होया? देखो बिल्कुल, यही हुण 4 दिन के रिमांड के विच्चे होर कदे कई खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि पहला भी यह जिहड़े एन डी पी एक्स के जिहड़े मामले है उन्होंने इन्हों की शमूलियत रही है। लुट्टां खोहां के मामले जिहड़े है मोगा या होर पास हुए हैं उन्होंने इन्होंने पर पहला भी मामले दर्ज ने, उन्होंने यह वांटड सके। तो हुण कुछ भी दौरान जोड़ा गा होर कई खुलासे होंगे और कि जगह इन्होंने काबू किया गया, स्टेट स्पैशल सैल ने कामयाबी हासिल की थी है। सो की कुछ अगे इन्हां वल्लों व्योंतबंदियां कीतियां जा रही सन, कि अपराधिक मामले च इन्हां दी शमूलियत सी, सब कुछ जिहड़ा है पुछगिछ विच पता लगण की संभावना है।